हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम गुड। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रोस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपको लेना है चिकन। तो चिकन पहले हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे, और मैरिनेशन के लिए हमें कुछ मसाले चाहिए, कुछ सॉसेस चाहिए। तो आपको पहले सबसे पहले लेना है चिकन। चिकन में आप लेग पीसेस भी ले सकते हैं या चिकन ब्रेस्ट पीसेस भी आप ले सकते हैं, तो इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। तो चिकन पीसेस मैंने कुछ लिए हैं, तो उसके ऊपर मैंने कुछ मसाले डाले हैं, जैसे कि नमक, रेड चिली पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और सॉसेस पर मैंने डाला है रेड चिली सॉस, ठीक है, और विनेगर डाला है, और मैंने एक चम्मच के बराबर गार्लिक चॉप की हुई डाली है, और उसको अच्छे से मैरिनेशन के लिए आपको रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। तो 3 से 4 घंटे मेरे हो गए, मैरिनेशन मेरी हो गई। तो मैं अब बनाने जा रही हूँ कोटिंग, जो हम मैदे के आटे से बनाते हैं। तो कोटिंग के लिए आपको चाहिए 3 बड़े चम्मच या 4 बड़े चम्मच आप आटे का लीजिए, मैदे का आटे का, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालिए, गार्लिक पाउडर डालिए, वाइट पेपर पाउडर डालिए, नमक डालिए और ब्लैक पेपर पाउडर डालिए। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारी कोटिंग के लिए आटा है वो रेडी है। तो दूसरी साइड आपको एक प्याले में आपको एक अंडा लेना है, और उसके ऊपर ठंडा पानी डालना है, और उसको अच्छे से बीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए, अच्छे से एक आपका बैटर तैयार हो जाए अंडे का। फिर हम बनाने जाएंगे अपने जो ब्रोस्ट है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके इसमें बताना चाहूँगी। सबसे पहले आपको चिकन को अच्छे से कोट करना है, जो मैरिनेटेड चिकन है आपके, उसको अच्छे से कोट करके एक्स्ट्रा जो आटा है वो अच्छे से छान लेना है, और फिर दूसरी साइड आपको अंडे का जो बैटर है वो उसमें अच्छे से आपको डिप करना है, और डिप करने के बाद फिर से आपको जो आटा है उसके साथ अच्छे से कोटिंग करनी है। तो कोटिंग करने की जो तरीका है वो 2 है। एक तो आप अपने हाथों से मसल के, अच्छे से मसल के एक्स्ट्रा जो आपका आटा है चिकन में वो अच्छे से निकाल दें। तो ये तरीका, एक तरीका तो यही हुआ। दूसरा तरीका ये है कि अच्छे से मसल के पूरा कोट करके अच्छे से आप एक छन्नी लीजिए, उससे एक्स्ट्रा पाउडर निकाल सकते हैं। कोटिंग करने के बाद आपको फौरन जो ऑयल है जो आपने पहले से गर्म किया हुआ है मीडियम फ्लेम में, उसमें जल्दी से आप डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हमें इतना ज़्यादा रखना नहीं है, क्योंकि फिर आटा है वो आपस में लग जाता है, चिपक जाता है, और फिर उसके जो क्रंच है वो नहीं बनता। और ये कोटिंग करके फौरन हमें ऑयल में डालना होता है, ताकि जो क्रंच है उसका अच्छा बने, और जो हमारा ब्रोस्ट है वो हमें मज़ा दे खाने में। तो जो ऑयल है वो आपको मीडियम फ्लेम में रखना है, और पहले तो आपको जो चिकन है वो आप जब ऑयल में डालेंगे तब आपको उसी टाइम ऑयल में हिलाना नहीं है। जब हमारा चिकन खुद ब खुद ऊपर आ जाता है तब हमें हिलाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे 6 से 7 मिनट आपको मीडियम फ्लेम में आपको चिकन को अच्छे से पकाना है, और ताकि अंदर से कोई भी कच्चापन ना रहे। तो मेरा जो ब्रोस्ट है वो रेडी है, और आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि मेरे जो ब्रोस्ट है वो कैसे लगे आपको। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।